दोस्तों, हॉलीवुड की हॉरर मूवीज़ तो आप सभी ने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन कुछ ऐसे भी मूवीज़ हैं जो कि हॉलीवुड से बिलोंग तो नहीं करती हैं, लेकिन ये हॉलीवुड से कम भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज़ हैं आज के हमारे इस टॉप 10 काउंटडाउन में। और ज़्यादा जानकारी और डाउनलोड्स के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉप 10 काउंटडाउन। नंबर 10, 0.0 मेगाहर्ट्ज़। कहानी की शुरुआत होती है कुछ सुपर नेचुरल मेंबर से जो कि एक हॉन्टेड हाउस में जाते हैं कुछ सुपर नेचुरल एक्टिविटी का पता लगाने के लिए। लेकिन वहां पर जाते ही उनका सामना कुछ अजीबो गरीब सुपर नेचुरल एक्टिविटी से होता है, और लास्ट तक उस घर से कौन कौन बाहर निकलता है यही देखने लायक है इस कम्प्लीट मूवी में। मूवी रिलीज की गई थी 2019 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.0। नंबर 9, द पूल। कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से जो कि स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रही होती है, लेकिन अचानक से ही स्विमिंग पूल का पानी पूरी तरह से सूख जाता है और वो कपल्स उसी स्विमिंग पूल में फंस जाते हैं। मूवी में देखने लायक यह है दोस्तों कि वो दोनों उस स्विमिंग पूल से बाहर निकल पाते हैं या फिर नहीं निकल पाते हैं। मूवी रिलीज की गई थी 2018 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.5। नंबर 8, ड्रीड आउट। कहानी की शुरुआत होती है 6 फ्रेंड्स से जो कि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर होना चाहते हैं और इसी पॉपुलैरिटी को पाने के लिए वो गोस्ट का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन उनका सामना कुछ अजीबो गरीब सुपरनेचुरल एक्टिविटी से होता है और लास्ट तक उन दोस्तों में से कौन सर्वाइव करता है यही देखने लायक है इस कम्प्लीट मूवी में। मूवी रिलीज की गई थी 2019 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.3। नंबर 7, वीवी। कहानी की शुरुआत होती है एक 5 ईयर्स के बच्चे से जो कि एक्चुअल में मिसिंग हो जाती है और उसे उसकी फैमिली किसी भी तरह से ढूंढ के निकालना चाहती है। लेकिन जब वो बच्ची उसके फैमिली को मिलती है तो उसके पीछे ऑलरेडी कुछ सुपरनेचुरल पावर लगी रहती है, और लास्ट तक उसकी फैमिली उस बच्चे को सुपरनेचुरल एक्टिविटी से किस तरह बचाती है यही देखने लायक है इस कम्प्लीट मूवी में। मूवी रिलीज की गई थी 2015 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.9। नंबर 6, वेरोनिका। कहानी की शुरुआत होती है कुछ बच्चों से जो कि खेल खेल में कुछ सुपरनेचुरल एक्टिविटी को बुला लेते हैं और वो सुपरनेचुरल एक्टिविटी वेरोनिका के पीछे पड़ जाती है, और लास्ट तक वेरोनिका अपने आप को उस सुपरनेचुरल एक्टिविटी से किस तरह बचाती है यही देखने लायक है इस कम्प्लीट मूवी में। मूवी रिलीज की गई थी 2017 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। नंबर 5, फॉलो मी टू हेल। कहानी की शुरुआत होती है रीटा से जिसके हस्बैंड मारे जा चुके होते हैं, लेकिन उसके पीछे एक सुपरनेचुरल पावर लगी हुई रहती है, और असल में वो सुपरनेचुरल पावर उसके पीछे क्यों लगी हुई रहती है और दूसरी तरफ वो सुपरनेचुरल पावर उससे क्या चाहती है यही सबसे ज्यादा मिस्ट्री क्रिएट करती है इस कम्प्लीट मूवी में। मूवी रिलीज की गई थी 2019 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.8। नंबर 4, द ऑटो स्पाई ऑफ जेन डियो। कहानी की शुरुआत होती है एक डेड बॉडी से जिसे लैब लाया जाता है पोस्टमार्टम करने के लिए, लेकिन पोस्टमार्टम करते हुए वहां के डॉक्टर को उस बॉडी में कुछ अजीबो गरीब सुपरनेचुरल एक्टिविटी देखने मिलती है। आखिरकार ये सुपरनेचुरल एक्टिविटी क्या है और उस बॉडी के पीछे क्या मिस्ट्री छुपी हुई है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस कम्प्लीट मूवी में। मूवी रिलीज की गई थी 2016 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8। नंबर 3, काफिर, अ डील विद द डेविल। कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली से जहां पर उनके पिता मारे जाते हैं और उनके पिता के मरने के बाद उस घर में अचानक से ही कुछ सुपरनेचुरल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, और आखिरकार ये सुपरनेचुरल एक्टिविटी उनके घर में क्यों शुरू होती है यही सबसे ज्यादा मिस्ट्री क्रिएट करती है इस कम्प्लीट मूवी में। मूवी रिलीज की गई थी 2018 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.1। नंबर 2, 122। कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही एक एक्सीडेंट के कारण वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल उनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस साबित होती है, और लास्ट तक वो अपने आप को उस हॉस्पिटल से बाहर निकाल पाते हैं या फिर नहीं निकाल पाते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस कम्प्लीट मूवी में। मूवी एक्चुअली बेस्ड है हॉरर सर्वाइवल एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। इसे रिलीज की गई थी 2019 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। और लास्ट नंबर 1 पर हम बात करेंगे बेसिक एंड एबेलिस। कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल गर्ल से जिसकी डेथ बहुत मिस्टीरियस तरीके से उसके ही स्कूल में हो जाती है, और उस स्कूल में या फिर कह सकते हैं कि उस कमरे में उसके बाद से कोई नहीं जाता है। आखिरकार उसकी डेथ किस तरह होती है और इस डेथ के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस कम्प्लीट मूवी में। मूवी हॉरर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर बनी है। इसे रिलीज की गई थी 2018 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.4। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए काउंटडाउन के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।